तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आज हम जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ठीक है, टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि एलएनटी वगैरह बाकी जो भी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में है, जिसके भी अंडर में है, इसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। अब चाहे अगर पूछे नहीं जाते हैं तो फिर उसके बाद में साइट पे काम ज़रूर आएगा ये, ठीक है। तो आप चाहे छोटी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में है या फिर मतलब एलएनटी वगैरह बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में है या फिर क्लाइंट में है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। तो जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ स्टील, ठीक है, स्टील की यूनिट वेट क्या होती है? तो ये होती है अपनी 78.5 किलो न्यूटन मीटर क्यूब, ठीक है। और ये जो दूसरा है, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, ठीक है, इसमें मतलब रेनफोर्स कंक्रीट का है, ठीक है, आरसीसी का जो जो है वो 25 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब है, ठीक है, और पीसीसी का जो है वो 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है। इससे डेड लोड, अगर डेड लोड निकालना हो तो मतलब डेंसिटी वगैरह हो गया, डेड लोड हो गया, वो आगे हम बताएंगे, ठीक है, दूसरे पार्ट में जो आएगा, ठीक। तो इसका यूनिट वेट ये होता है सीमेंट का, ठीक है, पीसीसी का ये है और आरसीसी का ये। इसके बाद में हम आते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स पे। फर्स्ट क्लास का होगा 105 केजी पर सेंटीमीटर क्यू सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेकंड क्लास का 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और जो फायर ब्रिक होगा उसका 125 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आगे चलते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होगा सीमेंट का वो 30 मिनट है और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो 90 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ है, ठीक है, कैंटिलीवर में टेंशन और फिर उसके बाद में कंप्रेशन जोन कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है बीम में, ठीक है। तो जनरली बीम में जो इसमें टेंशन ऊपर होता है और फिर उसके बाद में, ठीक है, टेंशन जोन ऊपर होता है, ठीक, और फिर उसके बाद में कंप्रेशन जोन जो होगा वो नीचे होता है। और जनरली बीम में क्या होता है कि अपना कंप्रेशन जोन ऊपर होता है और टेंशन जोन नीचे होता है, ठीक। तो जो हुक वगैरह प्रोवाइड करेंगे हम इसमें, ठीक है, इसमें ऊपर करेंगे और इसमें नीचे करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में फंक्शन ऑफ स्टीरफ, मतलब जो रिंग का हमारा फंक्शन क्या होता है ये पूछ लेते हैं कि जो हमारे स्टीरफ है उसके फंक्शन क्या होंगे। तो ये बेसिकली ये क्या करता है कि जो शेयर फोर्स आते हैं, ठीक है, शेयर फोर्स को रजिस्ट करता है। ऐसे ही थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक। हाँ, अगर आगे आते हैं तो ठीक है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, यूज इन आरसीसी, ठीक है, आरसीसी में मिनिमम कौन से ग्रेड का मतलब ग्रेड यूज़ करते हैं, ठीक है, कंक्रीट का, तो इसमें M20 होता है, ठीक है, जो मिनिमम ग्रेड हम यूज़ करेंगे वो M20 होगा, ठीक है, मतलब कि जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, आए। और फिर उसके बाद में ये पूरा पूरा प्रैक्टिकल है, ठीक है, जो शटरिंग को हम मतलब कब रिमूव करेंगे ये IS-456 में भी दिया हुआ है, ठीक है, IS-456 में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो शटरिंग का रिमूव करने का टाइम होता है, अब अगर मतलब शेयर वॉल है, साइड वॉल हो गया, ठीक है, कॉलम हो गया, और जो बीम का आउटर साइड होता है, ठीक है, बीम का जो आउटर साइड होगा वो हम 24 से 48 घंटे में रिमूव कर देते हैं। अगर ठंडक वगैरह है, ठीक है, टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर से कम है तो उसको हम 48 घंटे बाद करेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद में हम 24 घंटे में कर देते हैं, ठीक है। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई है, जैसे राजस्थान वगैरह हो गया, तो उसमें हम 24 घंटे से थोड़ा सा पहले कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में बीम का जो बॉटम होगा, ठीक है, उसको हम 7 दिन के अंदर अंदर खोल देते हैं, 7 दिन के बाद में हम खोल देते हैं इसको, ठीक है। स्लैब को हम 3 दिन के बाद में खोल देते हैं, लेकिन जो जैक होगा, ठीक है, जो हमारा प्रॉप्स लगा होता है उसको हम लगा रहने देते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद में प्रॉप्स को हम 21 दिन के बाद रिमूव करते हैं अगर 6 मीटर का स्पैन है, ठीक है, और फिर उसके बाद में 6 मीटर से मतलब अगर छोटा है, ठीक है, तो हम 14 दिन के बाद मतलब रिमूव कर देते हैं, 14 से 15 दिन के बाद में।
ये सारी चीज़ें जो अपनी हैं, ये सारी चीज़ें आईएएस कोड से हैं, ठीक है। अगर अगर मतलब इंटरव्यू के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो कोशिश ये करिए कि आईएएस कोड अगर आप पढ़िए, ठीक है। तो कॉन्क्रीट के कितने टेस्ट होते हैं, तो बेसिकली जो चार टेस्ट होते हैं जो कि हम साइट पे यूज़ करते हैं, जैसे स्लम टेस्ट हो गया, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हो गया, ठीक है, वाटर परमिसिबिलिटी टेस्ट हो गया, और फिर उसके बाद में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया। ये सारे आईएएस कोड में दिए हुए हैं, और मतलब YouTube से देखने से बढ़िया है, ठीक है। जितना बढ़िया आप IAS कोड से तैयार कर लेंगे, ठीक, चाहे मतलब IAS 456 हो गया, IAS 800 हो गया, और फिर 383 हो गया, ठीक है। ऐसे ही मतलब बहुत सारे हैं जिनको हम मतलब तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और जो मतलब दूसरी चीज़ है, ठीक है, मतलब कि साइड मतलब स्लोप हम स्टेयर केस में हम कितना प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आईएस कोड के हिसाब से, आईएस 456 के हिसाब से हम 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मतलब जो फुल फॉर्म ऑफ 1 BHK क्या होगा, ठीक है। तो 1 BHK का मतलब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। एक बेडरूम हो गया, एक हॉल हो गया, और एक किचन हो गया, ये कभी कभी पूछ लेते हैं। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट पर बैग, मतलब एक बैग में उसका वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है। तो मतलब 50 kg, और फिर उसके बाद में अगर क्यूबिक मीटर में मीटर में देखें, ठीक है, तो 0.0347, ठीक है, इतना क्यूबिक मीटर होता है। मतलब कि एक क्यूबिक मीटर में अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो 29 बोरी का एक क्यूबिक मीटर होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में 1.23 क्यूबिक फिट होता है, ठीक है। और सीमेंट की एक्सपायरी डेट कितने दिन के बाद होती है, तो मतलब जितना जितने दिन के बाद में बना है, इसमें मतलब बैग पे लिखा होता है कि 3 महीने के बाद में एक्सपायर हो जाता है, लेकिन हम उसको यूज़ करते हैं उतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, ठीक है। मतलब कि 3 महीने मैन्युफैक्चर डेट के बाद में, 3 महीने होने के बाद में उसकी स्ट्रेंथ उस तरीके की नहीं आती है, वो सीमेंट एक्सपायर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। साइज, और फिर उसके बाद में हुक जो होगा, और फिर एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब हुक को मतलब 10D के हिसाब से मतलब उसकी साइज होती है, और जो एंगल हम देते हैं, ठीक है, 135 डिग्री पे देते हैं, अर्थक्विक मतलब जब अर्थक्विक वगैरह आता है तो उसको रजिस्टर करने के लिए। जो डी इसमें दिया हुआ है वो डाया ऑफ बार है, ठीक। और फिर अगर आगे चलते हैं, ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि वेट ऑफ स्टील निकालने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अगर हम मतलब मीटर में देखते हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो 533 से मतलब डिवाइड करेंगे, डी डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162.2 इंटू एल। जो एल हमारा होगा वो लेंथ ऑफ बार होगा, मतलब कि अगर 1 मीटर का निकालना है, ठीक है, 2 मीटर, 3 मीटर, 12 मीटर का पूरा मतलब स्टैंडर्ड लेंथ जो होता है वो 12 मीटर का होता है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियोस आया करेंगी, ठीक है। ये पार्ट वन था, इसके बाद में पार्ट टू, पार्ट थ्री, मतलब 3-4 पार्ट आएंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और फिर उसके बाद में अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ओके, थैंक यू।